गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, काफ़ी देर से आप लोग वेट करते हैं हमारा, और हम इसी उद्देश्य से आप लोग के लिए आते हैं ताकि आपका डाउट्स या जो क्वेश्चन है हम उसे सॉल्व करें। दो चार मिनट लेट भी हो चुका है, असुविधा के लिए खेद है। बाकी हम पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, पिछले क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसमें लगता शायद 25 तक हम कर चुके थे, 25 क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके थे इसका, स्टेनो का। जल्दी से जब तक जुड़ जाओ, काफी देर से प्रतीक्षा तुम लोग कर रहा था, हम भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, हालांकि कुछ तबीयत भी मेरा ठीक नहीं लग रहा, फिर भी बैच टाइम है तो हमें पढ़ाना पड़ेगा, और आप लोग के उत्साह देखकर हमें तो और जुनून जोश बढ़ जाता है। चलो जल्दी से फटाफट लाइक कर दो भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सूरज कुमार जमुई, गुड इवनिंग संतोष, कृष्णनंदन, संतोष, गुंजन, रोहित, सारे को गुड इवनिंग। हमेशा गुड इवनिंग संतोष कुमार चौड़ी, क्या लिखा हुआ भाई, गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, 26 सफरिंग, ठीक भाई, वो तो ठीक, मैं बता रहा हूँ जयराम कुमार। चलिए आगे, ऐसा करते हैं ना कि साइन और इंट्रो का हम इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा रहेगा, इसका हम सॉल्यूशन करके हम आपको इसी टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, इसमें टाइम देने से कोई फायदा नहीं है, जिससे कहेंगे तो हम टाइम दे देते हैं, फिलहाल आप कहिएगा तो हम टाइम दे देते हैं। चलिए छोड़िए, टाइम देते हैं, करगिश ही टाइम देते हैं, और क्या। 26 नंबर, 26, चलो क्या इसका आंसर आएगा। यमली खैलाक, हमेशा भारती, कार्य कल करवा दीजिए सर, हम लोग को याद हो जाएगा, लिव देम। चलो अच्छा ठीक है सर, लास्ट में कर लेंगे, पहले जो मेन मटेरियल है उसको निकाल लेते हैं, है ना, पहले जो मुख्य मटेरियल है उसको निकाल लो, क्या इसके बाद आएगा देख लेते हैं उसके बाद। थर्टी सिक्स नंबर, 36 नंबर, थर्टी सिक्स, चलिए ब्रेक डाउन ध्यान देना, ब्रेक डाउन का ऐसे दो तीन चार मतलब होता है, ठीक है, हमें भली भांति समझना होगा। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का दो तीन चार मतलब होता है, और हम लोग फटाफट जल्दी से लिख लेंगे, जो मुख्य मटेरियल है उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। ब्रेक डाउन, फिर बोलेंगे ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, या फिर हम फिर बोलेंगे ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, या फिर बोलेंगे ब्रेक डाउन, तो चारों प्रकार से हम लिख लेंगे तो सहूलियत भी होगा, सारे चीज का फ्रेजल वर्ब हम लोग याद रखेंगे, और धीरे धीरे याद होता है सारा चीज का, प्रैक्टिस करने से याद होता है। चलिए तो लिखते हैं इसका, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन माने होते असफल होना, पहला ब्रेक डाउन मीन्स होते असफल होना, ब्रेक डाउन मीन्स होते असफल होना, ब्रेक डाउन असफल होना ब्रेक डाउन कहलाएगा। दूसरा ब्रेक डाउन, दूसरा जो आएगा आपका ब्रेक डाउन, ये होते हैं ब्रेक डाउन खराब होना, खराब हो जाना, ब्रेक डाउन खराब हो जाना,
मशीनरी आदि का खराब होना ब्रेकडाउन, और तीसरा होता है ब्रेकडाउन बोलते बोलते अचानक रुक जाना, ब्रेकडाउन बोलते बोलते अचानक रुक जाना ब्रेकडाउन कहलाएगा, बोलते बोलते अचानक रुक जाना ब्रेकडाउन। और लास्ट में आता है ब्रेकडाउन रो पड़ना यानी भावुक हो जाना, रो पड़ना भावुक हो जाना उसी को बोलते हैं, रो पड़ना या भावुक हो जाना क्या कहलाएगा भाई, ब्रेकडाउन। तो चारों में से जो यहाँ अर्थ हमें सुटेबल करेगा, जो इसका विकल्प मिलेगा वही हमें अर्थ देना पड़ेगा, जो इसका सुटेबल आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ ब्रेकडाउन तो फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और सफल होना नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, लैंड वंस कार, बोलिए इसमें जल्दी से 37। लैंड वंस कार, अरे गलती लिखा हुआ ईयर होना चाहिए वहां, गलती लिखा हुआ ईयर यहां होना चाहिए, ई ए आर होगा, लैंड वंस ईयर मैंने होता है ध्यान देना, नहीं कहते कान देना, ध्यान देना, कान दो, ध्यान दो, लिसन अटेंटिवली होता है, लैंड बने होते उधार देना, तो वही कह रहा कान दो, ध्यान दो, लिसन अटेंटिवली होते ध्यान देना। नेक्स्ट, बैंक कौन, तो शायद आपको पता ही होगा बैंक कौन, तो स्पष्ट होते हैं, रिलय ऑन होते हैं, निर्भर करना या भरोसा करना, बैंक कौन जिसका साइना बोलते हो आप, रिलय ऑन, काउंट ऑन भी होता है, काउंट ऑन, बैंक ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन होते भरोसा करना या निर्भर रहना, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा, भरोसा करना या निर्भर रहना, एडियम फ्रेज पूछा जा रहा। 39, मेक अप वंस माइंड, बताइए जल्दी, 39, मेक अप वंस माइंड, निर्णय लेना होता है, मेक अप वंस माइंड होते निर्णय लेना, डिसाइड समथिंग होता है, डिसाइड समथिंग निर्णय लेना, मेक वंस माइंड होता है निर्णय लेना, क्या बोलेंगे भाई, डिसाइड समथिंग होते हैं निर्णय लेना, मेक अप वंस माइंड होते हैं। अगला, कैच ऑन, लोकप्रिय हो जाना, टू बिकम पॉपुलर होता है, कैच ऑन होता है लोकप्रिय हो जाना, देखते हैं आईपीएल में कैच पकड़ लिया तो लोकप्रिय हो गया, पर्पल कैप आईपीएल में तो खूब चलता है कैच का, धमाल चलता है, तो कैच ऑन होते लोकप्रिय होना, तो बिकम पॉपुलर होता है, लोकप्रिय हो जाना। लोकप्रिय होना, रिजुवेनेट मैंने होते तो ये तो ऊर्जावान बनाना, ऊर्जावान बनाना। चलो नेक्स्ट, पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चन पर हमें ध्यान देना होगा, ठीक है, जब पीक्यूआरएस का क्वेश्चन हमें बनाएंगे तो थोड़ा संभल कर बनाना, और पुराने विद्यार्थियों के लिए दिक्कत नहीं होगा, नए विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा समस्या होगा, और इस चैनल पर यदि पढ़ रहे हो मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर तो वहां भी दिक्कत नहीं आएगा आपको। देखो क्या कह रहा, पीपल, पीपल हु लुक टू सपोर्ट देयर बिलीव्स डाउन ऑन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हैव सेवरल मेजर आर्गुमेंट्स। क्वेश्चन तो हम पहले ही अपने जो चैनल था टेलीग्राम चैनल उस पर हम सेंड कर चुके थे, यहाँ कह रहा हूँ लुक डाउन ऑन या अपॉन होता है, लुक डाउन ऑन या अपॉन, घृणा करना या नीची निगाहों से देखना होता है इसका नियम क्या, लुक डाउन ऑन या अपॉन होता है, नीची निगाहों से देखना या तिरस्कार करना, इसका मतलब हुआ कि स्टार्टर हमारा क्यू से होना चाहिए, जब क्यू से स्टार्टर करेंगे तो हमारे पास केवल और केवल विकल्प सी है, सी के अलावा एक भी विकल्प नहीं है, तो चुटकी बजाओ और आंसर में निकालो, तुरंत आंसर हो जाएगा।
तो एक बार ध्यान देंगे और आंसर निकलेगा। लोग डरते भले ही PQRS, लेकिन डरना नहीं है, आप आराम से बनाइए, बनेगा। लुक डाउन ऑन या अपॉन होता है, बाकी स्टार्टर आपको मिल गया, घिरना करना, बाकी क्या अरेंज होगा वो अपना जाने, उससे मतलब नहीं हमें। नेक्स्ट 41, 41 नंबर, बायोलॉजिस्ट आर ऑफन, बायोलॉजिस्ट आर ऑफन, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, रिजिडिटी डिटरमिनिस्टिक डिटरमिनिस्टिक अप्रोच टू बिहेवियर एक्यूज्ड ऑफ टेकिंग। 42 नंबर जल्दी से बनाएंगे हम लोग। चलिए हम बताते हैं इसमें, देखो इसमें क्या आएगा, या आप लोग शायद पढ़े होंगे कि सर EGMR है, तो EGMR के बाद तो कंफर्म है कि V3 चाहिए या फिर V4 चाहिए, EGMR के बाद या V3 या V4 चाहिए, ऐसा हम लोग देखे होंगे। या दूसरा नियम कहेंगे कि ऑफन आपका एडवर्ब है, जब ऑफन आपका एडवर्ब है तो उससे का यूज हम वर्ब के साथ ही करेंगे, जैसा यूज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। यानी स्टार्टर हम क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि अप्रोच आपका V1 फॉर्म है, जब अप्रोच आपका V1 फॉर्म है तब तो कन्फर्म है कि स्टार्टर क्यों नहीं होगा भाई, स्टार्टर केवल और केवल R होना चाहिए, AD लगा हुआ इसलिए, और हमें B फॉर्म के बाद V3 भी चाहिए, तो EGMR के बाद जब V3 चाहिए तो हमारे पास एक्यूज्ड होना चाहिए, ठीक है। यानी बायोलॉजिस्ट आर ऑफन एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ मैंने होते हैं दोष या आरोप लगाना, क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे, नेक्स्ट, द इंडिया वी इनहेरिटेड, ऑप्शन देखेंगे इसमें, दैट वी हैव वी क्विटेड आवर, ये तो कंफर्म होगा यार कि हम ये कह सकते हैं कि आवर लास्ट में नहीं होगा, पी ऑप्शन लास्ट नहीं होना चाहिए, पी ऑप्शन लास्ट नहीं, अर्थात पी में जो लास्ट में आपका आवर लिखा हुआ है इसके बाद मस्ट नाउन होना अनिवार्य है, नाउन होना अति आवश्यक है, जब नाउन होना अति आवश्यक है तब तो कन्फर्म है कि पी के बाद क्यू भी नहीं आएगा, क्योंकि आवर के बाद वाज नहीं आएगा, तब पी क्यू नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका बी नहीं होगा, ऑप्शन आपका डी नहीं होगा, बी और डी खत्म हो गया, जो ऑप्शन हमारे पास है उस पर ध्यान देंगे। अब हमारे पास ऑप्शन बच रहा है या तो क्यू से स्टार्टर होगा या तो पी से स्टार्टर होगा, नहीं ना होगा, या तो हम क्यू से स्टार्टिंग करेंगे या फिर पी से स्टार्टिंग करेंगे, तो लिखा हुआ द इंडिया, इंडिया वी इनहेरिटेड, यानी इंडिया नाउन है और वी आपका प्रोनाउन है, नाउन प्रोनाउन जहां भी आपको एक साथ दिखे तो समझ जाना कि यहाँ डैट रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ भाई, डैट रिलेटिव प्रोनाउन आपको समझ जाना होगा कि छुपा हुआ, जब डैट छुपा हुआ तब कन्फर्म है कि वी के अनुसार वर्ब हुआ तो एक नेक्स्ट वर्ब और चाहिए, जब नेक्स्ट वर्ब और चाहिए तो हमारा आंसर क्यू से स्टार्टर होगा, यानी 43 का जब आंसर आएगा तो एक आएगा क्यू से स्टार्टर होना चाहिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट 44, चवालीस, देयर इज, देखो ये क्वेश्चन एक स्ट्रक्चर पर अरेंज किया गया, देयर इज नो पॉइंट देयर इज नो सेंस, इसका एक स्ट्रक्चर भी आता है, देयर इज नो पॉइंट या देयर इज नो सेंस, या देयर इज नो सेंस, देयर इज नो पॉइंट या देयर इज नो सेंस के बाद जब भी वर्ब आएगा तो V4 आएगा, देयर इज नो पॉइंट या देयर इज नो सेंस के बाद जब भी वर्ब आएगा तो V4 आएगा, ये ग्रामेटिकल रूल का भी नियम होता है, और इसके अलावा इट इज भी आता है, इट इज नो गुड या इट इज नो यूज, इट इज नो यूज
या एट इज नो यूज के बाद वी फोर आता है। ये सब ग्रामेटिकल नियम है, ग्रामेटिकल नियम भी सीखते चलना है हमको। तो आएगा देयर इज नो पॉइंट एंड स्टार्टर डायरेक्ट हमारा आर से होना चाहिए। आर हमारे पास विकल्प डी में भी है और ऑप्शन सी में भी है। तो देयर इज नो पॉइंट गेटिंग होना चाहिए, तो आर के बाद पी यानी ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। जल्दी से फटाफट नोट करते भी जाएंगे। चलिए मन लग रहा होगा। अच्छा ललिता कुमारी सिर्फ ऑफन ऑफन का यूज कैसे गलत होगा यार, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्टिव बनाइए या पैसिव बनाइए। सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप एक्टिव बनाइए या पैसिव बनाइए। नेक्स्ट चलिए आगे। सिंटू कुमार चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सीखो आराम आराम से, आराम आराम से सीखो, मन लगेगा खूब, कोई हड़बड़ी नहीं हम लोग के साथ है। धीरे धीरे द रिफॉर्मर मस्ट नो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इसमें क्या आंसर आप लोग बना सकते हैं बनाइए। देखो इसमें हमें एक चीज समझ में आ रहा है, मस्ट नो हमें एक चीज इसमें समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ द आर्टिकल है, ऑथेंटिक आपका एडजेक्टिव है। ऑथेंटिक क्या है भाई, एडजेक्टिव है। जब ऑथेंटिक आपका एडजेक्टिव है तो कन्फर्म पीछे नाउन होना चाहिए, यानी कह सकते हैं द ऑथेंटिक लाइफ, द ऑथेंटिक लाइफ हम बोल सकते हैं, द ऑथेंटिक लाइफ, लेकिन द ऑथेंटिक डाइट नहीं बोल सकते, लेकिन द ऑथेंटिक लाइफ बोलेंगे। पी ऑप्शन लास्ट नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है कि पी लास्ट नहीं होगा। पी के बाद आर ही होना चाहिए, पी के बाद आर होने के लिए ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, बल्कि ऑप्शन केवल और केवल 45 का आंसर केवल और केवल सी आएगा, ऑथेंटिक लाइफ। गुड 46 क्या आया 46 से भाई, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव बिना टाइम दिए हम लोग बना देंगे। इसमें कुछ है नहीं जो कि सीखना पड़ेगा आप लोग को, बेहद आसानी से हम लोग सीख सकते हैं और बना सकते हैं। देखो अभिषेक टेंस पर डायरेक्ट हमें ध्यान देना है, यदि आपके पास V2 का विकल्प है तब तो कन्फर्म है कि इट वाज होना चाहिए। नो का पैसिव वॉइस बनाएंगे, इट वाज इट वाज इट वाज इट वाज इट वाज, परंतु नो क्रिया पैसिव में बाई नहीं लेता है, टू लेता है, तो सी और डी खत्म हो गया। हमारे पास विकल्प एक और दो है, इट वाज नॉन टू अभिषेक दैट दिस वन है। आप देखो यहाँ वाज को हेडविन में कन्वर्ट किया, भाई वाज को हेडविन में हम यूज किस में, नरेशन में करते हैं, यानी ऑप्शन बी नहीं होगा, आपके पास ऑप्शन एक होगा। क्लियर, ये डबल सेंटेंस का नरेशन बना हुआ, ये डबल सेंटेंस का नरेशन होता है जिसमें हम इस तरह से यूज करते हैं, नो क्रिया पैसिव में टू लेता है। बढ़िया आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। यदि अभी आपका लाइव क्लास मैथ का चलता है तो मैथ को छोड़कर इंग्लिश पढ़ो, मैथ तो बाद में भी समझ लेगा, दिन भर बचपन से तो मैथ ही पढ़ते आए तुम लोग, तब पर भी मैथ में फेल होता है। She has learned the answer by heart. Has plus V3 है तो has been नहीं आएगा, has plus V3 है तो has been का यूज कर लेते हैं, यानी ऑप्शन सी नंबर बी नंबर। डायरेक्ट हमेशा में आंसर जल्दी से बनाते चले जाते हैं, समय कुछ जान नहीं है, मिलाते चले जाना तुम लोग। 48 दिस स्ट्रेस वाज गिवन टू मी, दिस स्ट्रेस वाज गिवन टू मी, इसका मतलब होगा पैसिव बना हुआ है, जब पैसिव बना हुआ है तो केवल V2 ढूंढिए,
वे टू ऑप्शन सी नंबर कौन सा सी आंसर होगा, तो डायरेक्ट फटाफट आंसर हम लोग बनाएंगे सी बिना देर किए। जो लटका सो गया ट्रैक्टर के पीछे देखता लिखल रहता लटकला बेटा तो गल्ला बेटा। चलिए आगे, By whom is the kid being fed? इसका मतलब ये भी सेंटेंस आपका पैसिव बना हुआ है। जब ये सेंटेंस आपका पैसिव ऑलरेडी बना हुआ है by whom का, तो who होना अनिवार्य है। इज लगा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस होगा, यानी केवल और केवल ऑप्शन आपका डी आएगा। बींग लगा हुआ भाई तो भी फोर तो चाहिए हमें, तो आंसर डी होगा फटाफट एकदम बिना देर किए। 50 द ओल्ड मैन टच द पैटेड द कॉ, यहां एंड होना चाहिए, यहां गलती से द लिखा गया, यहां एंड होगा एंड फिर से देख लो, यहां द नहीं होगा एंड होगा। अब देखो द ओल्ड मैन टच एंड पैटेड द कॉ, ये पास्ट टेंस है भाई, जब पास्ट टेंस है तो वाच होना चाहिए ना, वाच या वर्ब होना चाहिए। The cow was patted, तब तो आंसर इसका एक होना चाहिए, आंसर इसका एक आएगा, एक आंसर होगा। नेक्स्ट 51, जल्दी फटाफट बिना देर किए हम लोग बनाएंगे 51। ताबड़ तोड़ रहा आज दम ताबड़ तोड़, कोई रुकना उकना नहीं, रुकने का नाम नहीं। Where do you keep the newspaper? तो do you keep, तो do you keep है TGMR होना चाहिए, जल्दी एकदम ढूंढिए TGMR कहाँ मिलेगा आपको। जब तक हम इसको ऐसे करते हैं आप TGMR ढूंढिए। गुड 51 का आंसर एक। जयराम सबसे तेज जवाब, उससे पहले हम ईशा भारती तेज जवाब दे रहे हैं। नेहा कुमारी, वीना कुमारी, रही आप लोग के तेज जवाब कौन कौन देते हैं, चलिए सबसे सुपर फास्ट तेज जवाब मारिए। नेक्स्ट 51 52, लेट अस हेल्प आर, फटाफट बिना देर की आंसर। 52 चलिए जल्दी से 52 का आंसर आ चुका है हमेशा, चले ठीक है। लेट अस हेल्प आर, यहाँ जब लेट के बाद डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो लेट को ज्यों का त्यों रखते हैं, लेट को ज्यों का त्यों रखा जाता है, हर को आगे सी इज नहीं लगता, इसमें बी फॉर्म का यूज करते हैं, आंसर इसका जब भी होगा तो कौन सा, आप देखो कंफ्यूजन होगी लोग बहुत सारे, सी सी ठीक है, बी आंसर होगा आपका, लेट हर बी हेल्प बाई अस होगा। चलो आगे, लेट के बाद जब डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो लेट को जो कहते हैं रखते हैं, और सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट लास्ट ऑब्जेक्ट, तो आंसर बी होगा। गुड 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 बुक, चलिए धमाल मार मचा दिया, चलिए चलिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक 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 ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आप लोग बनाएंगे, चलिए सबों का आंसर बी हो रहा। चलिए 42 अथी अगला क्वेश्चन 53 नंबर, हमेशा ए ऑप्शन आ चुका है, जयराम का भी ए ऑप्शन, रोहित ए आंसर, अनूप म्यूजिक बी। चलिए अब बिगिन माय डे विथ ए कप ऑफ कॉफी, तब बिगिन आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक है, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक हो रहा है तो ईजीएमआर ढूंढना पड़ेगा, EGMR प्लस V3 यानी ऑप्शन इसका एक होगा, ऑप्शन एक आएगा 53 का। गुड 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 43, चलिए ठीक है 53 54 का एकदम फास्ट, एकदम तेज होना चाहिए फास्ट, जैसे क्वेश्चन आंसर। डेट द साउंड डिस्टर्ब हर, चलिए आगे, नेक्स्ट, चलिए बहुत अच्छा, तो डेट से लिखा हुआ तो कंफर्म वाज बर होना चाहिए, तो वाज ऑप्शन ढूंढिए,
वाज लिखा हुआ था, तो कंफर्म आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। वाज वाज ऑप्शन सम दिख रहा है, डिस्टर्ब पैसे में डी नहीं होगा, एक नहीं होगा, वाज द साउंड। हर को सब्जेक्ट बनाएगा यानी सी, तो आंसर सी ना आएगा। 54C, 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 बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट आइए 55 का आंसर तेज 55। चलिए जल्दी से 55 अमीषा भारती 55 का एक आंसर दे चुकी है, और बाकी लोग, चलिए बाकी और लोग, जयराम 55 ए, गुंजन 55 दो, सिंटू 55 एक। चलिए देखते हैं, देखो भाई विल हैव टू लगा हुआ है, जब विल हैव टू का चर्चा किया गया तो कन्फर्म है कि विल हैव टू के स्थान पर विल हैव टू भी होना चाहिए, विल हैव टू बी प्लस वी थ्री, यानी ऑप्शन केवल और केवल एक ऑप्शन होगा। सिंटू कुमार जी हाँ, आप भी दे रहे हैं जवाब, बिल्कुल सही दे रहे हैं, आज आप लोग तो धमाल मचा के रख दिए हमको। चलिए आगे, अब देखो नरेशन की बारी आया, तैयार रहना नरेशन के लिए, अब नरेशन के लिए तैयार रहना, ठीक है, नरेशन के लिए हमें तैयार रहना। सेट सिस्टर प्लीज, नरेशन के लिए फटाफट जल्दी से हम कर देते हैं, इसमें कोई रूल वूल है ही नहीं। He said, sister, please cook me something nice today. जल्दी से बनाएंगे हम लोग। देखिए, देखो, He said, sister, please. जैसे ही सेंटेंस में प्लीज और काइंडली आपको दिखे, जैसे सेंटेंस में प्लीज अथवा काइंडली दिखे तो क्या यूज करते हैं हम लोग, रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई, रिक्वेस्टेड। टुडे को डेट डे में कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब आंसर आपका एक होना चाहिए, एक आंसर होना चाहिए। यानी रिपोर्टेड स्पीच में जहां भी प्लीज और काइंडली का सेंस आपको देखे, प्लीज और काइंडली लिखा हुआ रहे, उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, तुरंत हम रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट करके बनाएंगे इसका नरेशन। 57 जल्दी से 57 के लिए तैयार रहिए। चलिए हम कमेंट देखते हैं आपका 57 57 रोहित कुमार का बी सबसे तेज आंसर आया 57 का। चलिए हम बनाते हैं इसका, आई शैल बी लिखा हुआ है तो शैल बी है तो शुड भी ना आएगा। चलिए अमीषा भारती 57 का डी दे ही, बी के दिव्यांशु 57 डी, क्या बोले भाई वो। चलो इतना तेज से तुम लोग जवाब दे रहा है इतना जल्दी से। रोहन सेड आई शैल बी 25 टुमारो, जब 25 टुमारो लिखा हुआ तो टुमारो का यूज तो हम द फॉलोइंग डे में करेंगे, द फॉलोइंग डे में करेंगे, इसका मतलब बी और ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो गलत हो गया। नरेशन ऑफ वॉइस बनाते समय और पीक्यूआरएस बनाते समय सही से ज्यादा हमें गलत पर ध्यान देना होता है, बाकी जो हमारे पास विकल्प बचा हुआ उस पर हम ध्यान देंगे। हमारे पास विकल्प अब बी और डी बचा हुआ है, ठीक है, बी और डी। तो रोहन सेड दैट ही शुड वुड, तो शुड वुड में ध्यान देना है, तो ही के अनुसार पहले विल होता है, तो ही के अनुसार विल होगा तो वुड नहीं आएगा, यानी 57 का आंसर आपका डी होगा। चलिए ही वुड भी होगा, जयराम कुमार भी ही वुड भी दिए, ही के अनुसार विल होगा तो विल होगा तो वुड नहीं होगा, शुड नहीं होगा। जल्दीबाजी के चक्कर में आप लोग गलती किए, शैल के स्थान पर शुड भर दिया। चलो 58 नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 नंबर 58 नंबर 58 आकांक्षा टोल्ड ईशा व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वियरिंग। ये देखना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का वाक है, जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का वाक है यार तो आराम से
कारु कुमार चलिए आप पर भी ध्यान देते हैं। उड़ क्यों नहीं हुआ, उड़ी तो बना रहे हैं भाई, उड़ी तो वहां लगाए हम, उड़ क्यों नहीं लगाए, उड़ का ही तो आंसर लगाए हैं कारु, ऐसा नहीं कि हमने उड़ नहीं लगाया, उड़ी का तो आंसर पिछले क्वेश्चन में दिए थे हम। चलो उदय कुमार 58A, 58A, बीके, अनूप, म्यूजिक, सिंटू, सारा चीज का जवाब सही जा रहा। तो ये देखो सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है भाई, जब सेंटेंस आपका एक्सक्लामेटरी है, बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वेयरिंग, ये आपका सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है। जब सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है तो कन्फर्म एक्सक्लेम्ड होगा, कन्फर्म एक्सक्लेम्ड होगा, इसका मतलब डी ऑप्शन गारंटी है कि नहीं होगा। अब जो हमारे पास विकल्प बचा हुआ उस पर हमें ध्यान देना है, ठीक है, डी कन्फर्म नहीं होगा। अब आकांक्षा एक्सक्लेम दैट, तब तो कन्फर्म है कि ईज वाला भी नहीं होगा, तब तो बच गया यही ऑप्शन है, 58 का एक आंसर आएगा भाई। चलो यानी रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहे, एक्सक्लामेशन सेंटेंस पहचानने के लिए आपको चिन्ह दिखाई देगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच में देखो रिपोर्टेड स्पीच में यदि आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहते, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट से शुरू होता है या हाउ से शुरू होता है, व्हाट या हाउ से यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लगा रहे तो इनडायरेक्ट बनाते समय एक्सक्लामेशन सूचक शब्द को या फिर व्हाट या हाउ को हटा दिया जाता है। हाँ डब्ल्यू एच वर्ड रहता तब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, या तो एक्सक्लामेशन का चिन्ह लगाओ तो एक्सक्लेम से बनाएंगे। 59 फटाफट ही आस्क्ड इज द चेयरमैन कमिंग टू द मीटिंग, ये देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दिख रहा हुआ जैसा कि आपको सेंटेंस आपको दिख रहा हुआ इंटरोगेटिव है, जब सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाए तो आस्क्ड होगा, आस्क्ड आस्क्ड आस्क्ड, कंजक्शन डैट नहीं होता है, इफ होता है तो इफ बिल नहीं आएगा, इज नहीं आएगा तो वाज नहीं होगा, चार आंसर आएगा। तो एग्जाम में भी जब भी आप आंसर क्वेश्चन देंगे तो इसी तरह से आंसर क्वेश्चन का आप जवाब देंगे ताकि जल्द से जल्द आपको बन पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कारु वीरेंद्र कुमार, नेक्स्ट क्वेश्चन नीतीश, निरंजन, नीरज, चलो जल्दी से, वाह क्या बात है धमाल, वीना कुमार, वीना कुमारी 60 का ये आंसर दिया। चलिए देखिए क्या इसमें दिक्कत है, क्या गलती आएगा, इस पर भी हमें गौर करना होगा। अंकित सेड दैट नितिन लव्ड क्रिकेट, भाई ये तो नरेशन बना हुआ, जब नरेशन बना हुआ था हमको बनाना है, डायरेक्ट बनाना है, लव्ड क्रिकेट है इसका मतलब लव्स होना कन्फर्म है, लव्ड नहीं आएगा, लव्ड नहीं आएगा, लव्स होना कन्फर्म है, सेड है तो भाई सेज कैसे आएगा, शेड नहीं आएगा, 60 का आंसर एक आएगा। चलिए आगे 61 बताइए, 61 नंबर फटाफट बिना विलंब किए हमें जवाब चाहिए भाई, तेज जवाब वो भी चाहिए। सतीश प्रसाद, ऋतिक, चलिए बहुत अच्छा, आज तो ग्रामर वाले से ज्यादा भीड़ आप लोग को सेट वालम देखने को मिल रहा है। चलिए 61 का सी आंसर जयराम कुमार, और सिंटू 61 का ए आंसर, अनूप म्यूजिक ए आंसर दिए हैं। चलो गुंजन कुमार 61 का सी आंसर, और बाकी लोग अनूप, चलिए ध्यान देते हैं। द स्टूडेंट्स रेस्पेक्टफुल्ली विश्ड देयर टीचर गुड मॉर्निंग, यानी ये हम कह सकते हैं कि ये ऑलरेडी नरेशन बना हुआ, जब ये नरेशन बना हुआ तो कन्फर्म हम ये भी कह सकते हैं आगे इसमें क्या आएगा, ठीक है देखना पड़ेगा।
द स्टूडेंट्स रेस्पेक्टफुल्ली विश्ड देयर टीचर गुड मॉर्निंग. स्टूडेंट्स रेस्पेक्टफुल्ली, जहाँ भी रेस्पेक्टफुल्ली शब्द यूज होगा इसका मतलब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के साथ सर या मैडम का यूज किया जाएगा, सर और मैडम या मैम का यूज किया जाएगा. ठीक है, 61 नंबर में सर या मैम का यूज किया जाएगा. अब देखिए इसमें क्या आएगा, विश देयर टीचर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तो रहेगा ही. चलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सब में लिखा हुआ, मैम लिखा हुआ एक में. टू द टीचर सेड द स्टूडेंट्स टू द टीचर. ठीक है, अगला. अब हमें हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलेगा तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन या फिर सी ऑप्शन, ये नहीं दिख रहा. बी ऑप्शन में गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है. सी ऑप्शन में गुड मॉर्निंग सर सेड द स्टूडेंट्स टू द टीचर. और डी ऑप्शन गुड मॉर्निंग टीचर सेड द स्टूडेंट्स. देखो अब दिक्कत क्या है, यदि हम मैम लगाते तो केवल नारी जाति का बोध होता है, यदि हम सर लगाते तो पुरुष जाति का बोध होता है, यदि हम टीचर लगाते तो दोनों कॉमन हो जाता है. यानी कहने का मतलब हुआ कि बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन यदि हम तीनों में परफेक्ट सही बोलेंगे तो डी सही होगा आपका. क्यों? क्योंकि यहाँ टीचर कहने से तो पुरुष प्रधानता या स्त्री प्रधानता का बोध नहीं हो रहा, टीचर में तो कॉमन जेंडर का यूज होगा. जब कॉमन जेंडर यूज हो रहा है तो कॉमन जेंडर है तो हमें भी यहाँ कॉमन जेंडर का यूज करना पड़ेगा, यानी टीचर का यूज करना पड़ेगा. यदि हम मैम लगाते तो केवल स्त्री जाति का बोध होगा, यदि हम सर लगाते तो पुरुष जाति का बोध होता, लेकिन सेंटेंस तो ऐसा नहीं कह रहा कहीं, इसलिए हमें टीचर लगाना पड़ेगा. यदि हमारे पास विकल्प डी नहीं रहता तो बी या तो सी दोनों में किसी एक को सही मारते हैं. सही बी भी है डी सी भी है, लेकिन डी हम बनाएंगे इसलिए कि हमें कॉमन जेंडर लेकर चलना है. चलिए यहाँ टीचर रिपीटेड नहीं है भाई, टीचर रिपीटेड कहाँ, ये तो सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का, ये रिपोर्टिंग वर्ब का, दोनों सेंटेंस अलग है, दोनों एक दूसरे सेंटेंस से मतलब नहीं अभी है. चलिए आगे, नेक्स्ट बढ़े आगे. चलिए आगे 62 बताएंगे बताएंगे जल्दी से 62 नंबर 62 फटाफट 62 नंबर जल्दी से 62 चलिए आगे. आंसर आप लोग को आ चुका है तो यहाँ जो आएगा आपका आंसर, देखिए सुमन सेड टू पूनम हूम वर, इसका मतलब हुआ कि यहाँ कन्फर्म है कि हेडबिन में कन्वर्ट होगा, तो हेडबिन आप ऑप्शन बोलिए, केवल और केवल एक ऑप्शन, तो एक ऑप्शन टिक लगा लो, बाकी मतलब नहीं हमें. चलो नेक्स्ट, एकदम फास्ट लिखते ही आंसर, चलो लिखते ही आंसर हमें चाहिए. चले रवि राजा, चलिए आगे क्वेश्चन 63 जयराम बी, अमित बी, गुंजन बी, रोहित बी. आशीष रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू पास द साल्ट लिखा हुआ, आशीष रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू, विनती कर रहा भाई, जब विनती करने की बात होगा तब तो प्लीज और काइंडली हमें लगाना पड़ेगा. जहाँ जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन था तो रिक्वेस्टेड या काइंडली रहते, रिक्वेस्टेड या प्लीज रहता था, काइंडली या प्लीज रहता था तो रिक्वेस्टेड से बनाते थे, और इस बार रिक्वेस्टेड लगा हुआ है, इसका मतलब प्लीज काइंडली लगा होना चाहिए, ऑप्शन बी होगा. गुड 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 गुड, बिल्कुल ठीक. अगला 64 नंबर
64 आई एम गोइंग टू विजिट माय ऑल फ्रेंड टुमारो। जल्दी से फटाफट आंसर जैसे दिखे क्वेश्चन देखे आंसर। चलिए 64 क्या दिख रहा आई एम गोइंग टू दिख रहा है, इसका मतलब वाज होना अनिवार्य है। तो वाज होना जब अनिवार्य है तो ऑप्शन बोलिए, टुमारो है तो द नेक्स्ट होगा, यानी ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन का विकल्प जो बच रहा है, एक ऑप्शन हो सकता है या फिर ऑप्शन डी हो सकता है, ठीक है, या फिर ऑप्शन ए होगा या फिर डी होगा। तो डी ऑप्शन में तो माइट लगा दिया, तो ये नहीं आंसर आएगा, ये बात गोइंग टू विजिट होगा। चलो 65 नरेशन का लास्ट क्वेश्चन, 65 नरेशन का लास्ट क्वेश्चन 65 नंबर। चलो जल्दी से जयराम, वीना कुमारी, अमीषा भारती, बी आंसर। चलो ठीक, और भी 65 का आंसर हमें चाहिए। द गर्ल सेड वी आर वी वर लिखा हुआ, इसका मतलब कन्फर्म है कि हेडविन में चेंज करेंगे, तो हेडविन होने के लिए हमें ऑप्शन एक नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं है, ना ही ऑप्शन डी है, यानी ऑप्शन कन्फर्म है कि एक आंसर होगा। क्या किन्हीं को समझने में कोई आपत्ति, किन्हीं को समझने में कोई आपत्ति, बोलिए यहां तक। किसी प्रकार की स्टेनो का सेट था तो इसमें समझने में आपत्ति, यानी नरेशन या वॉइस का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए, PQRS का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप मान सकते हैं कि आप 100 में 100 बना कर आएंगे, ठीक है, क्लियर। अब इसके आगे क्लस टेस्ट पैसेज करने की प्रयास करना हम कर नहीं पाएंगे यहाँ, हाँ क्लस टेस्ट हम जरूर करेंगे, क्लस टेस्ट हम जरूर करेंगे। दिख रहा पहले देखो तो इसको, दिख रहा पहले ये देखो, जयराम कुमार 65 का क्या गलती आंसर बना दिया, चेक कर लेता हूं एक बार, 65 का आंसर चेक कर लेता हूं, यदि गलती टिक लगा हो तब सुधार लेंगे उसे हम। बीस का आंसर आएगा, हेडविन जिसमें रहेगा वही ना आंसर आएगा, 65 का जिसमें हेडविन रहेगा वही आंसर होगा। चलिए उदय कुमार फिर से गुरुजी, देखो वाच वर का यूज हम हेडविन में चेंज करते हैं, वाच वर का यूज हम हेडविन में करते हैं, तो आंसर बी नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, गलती स्टिक लग गया होगा, और ऐसे तो हम बता ही रहे थे कि वाच बार का यूज हम हेडविन में करेंगे, तो कल हम लोग तैयार रहेंगे सिर्फ और सिर्फ क्लोज टेस्ट के लिए, वो भी एक दो क्लोज टेस्ट नहीं, चार चार क्लोज टेस्ट। कितने क्लोज टेस्ट? चार, पिछला सेट का दो क्लोज टेस्ट और इस सेट का दो क्लोज टेस्ट कल हम बताएंगे, कल आप लोग तैयार रहना, दोनों सेट का क्लोज टेस्ट के लिए हम चार क्लोज टेस्ट, केवल कल क्लोज टेस्ट पर हम लोग ध्यान देंगे, दोनों सेट का क्लोज टेस्ट, पैसेज छोड़कर, पैसेज नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना लंबा होता और दिख नहीं पाता, तो क्लोज टेस्ट हम प्रयास करेंगे इसको एडजस्ट करके रखेंगे और बेहतरीन तरीके से हम करने की प्रयास करेंगे।
तो बाकी आप लोग अपना सहयोग देंगे जहाँ तक हो सके आप अपना सहयोग देंगे। बाकी दोस्तों को आप जरूर बताएंगे कि स्टोनों का सेट यदि आपको सॉल्यूशन करना चाहते हैं फ्री में, तो हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्या जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो आज कुछ तबीयत भी ठीक नहीं था और पढ़ा भी दिया आप लोग को, कुछ तबीयत ठीक नहीं रहा था तो कुछ सर में दर्द रहा था, फिर भी लगा कि नहीं हम अपने बच्चों से लाइव आए और कुछ हम डिस्कशन कर लें, कुछ पढ़ा लिया जाए और हम आए भी और आप लोग से पढ़ाए भी, साथ में आप लोग भी इसको ऑपरेट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास होगा आपका बेहतरीन, दोनों सेट का आपका स्टेनोग्राफर का क्लोज टेस्ट होगा, पिछला सेट का भी और इस सेट का भी क्लोज टेस्ट कल होगा, तो कल जरूर आप ऑन टाइम 9:15 में रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।